मैं गुड़िया नू आदि नू आईलैट्स करवा रहा सी फरीदकोट दे विच जी, ते आकाश नां दा मुंडा ही डोगर वस्ती दे विच रहण वाला जी, उसने कोई साल डेढ़ साल तो कुड़ी दी जिंदगी बर्बाद की हुई है जी। वो ना गुड़िया नू लारे ला रहा सीगा भी मैं तेरे नाल विआह कराऊंगा, मैं तेरे नाल विआह कराऊंगा जी। तो गुड़िया ने सानू दस्या तो मैं इनू आख्या भी गुड़िया तेरा आपां विआह ही उत्थे कर दिंदे आ, ठीक आ। तो गुड़िया ने चलो उहदे नाल जदों गल कीती जी मुंडे नाल, मुंडे ने गुड़िया नू जवाब देता जी, तो गुड़िया ने इसे गम दे विच आण के नहर दे विच छाल मारती जी। तो इत्थे पुलिस वाले ने नहरां दे उत्ते रोक लिया जी उसनू, उहनू पुछण लगे भी गुड़िया तू कित्थों आई आ। वो कहिंदी भी मेरा डैडी ना बाबे दे गया ही, इस तरह करके वह आऊगा, वह मैनू लैके जाऊगा इत्थों। उहने ये गल कीती ते उस तो बाद उत्थे मुलाजम सीगे, उस तो बाद उहने उत्थों छाल मारती जी। मेरा नाम चेत सिंह है जी, मेरी गुड़िया का नाम सिमरन कौर ना कौर है जी। तो मैं गुड़िया नू आदि नू आईलैट्स करवा रहा सी फरीदकोट दे विच जी, तो आकाश नां दा मुंडा ही डोगर वस्ती दे विच रहण वाला जी, उसने कोई साल डेढ़ साल तो कुड़ी दी जिंदगी बर्बाद की हुई है जी। वो ना गुड़िया नू लारे ला रहा सीगा भी मैं तेरे नाल विआह कराऊंगा, मैं तेरे नाल विआह कराऊंगा जी। पर गुड़िया नू जदों सानू पता लगा इस गल दा भी गुड़िया ना कोई इस तरह कोई गलबात हुई आ, तो गुड़िया ना असी गलबात की जी परिवार ने बह के, तो गुड़िया ने सानू दस्या तो मैं इनू आख्या भी गुड़िया तेरा आपां विआह ही उत्थे कर दिंदे आ, ठीक आ। तो गुड़िया ने चलो उहदे नाल जदों गल कीती जी मुंडे नाल, मुंडे ने गुड़िया नू जवाब देता जी, तो गुड़िया ने इसे गम दे विच आण के नहर दे विच छाल मारती जी। तो इन्हां दी माँ सिर ते है नहीं गी जी, मैं ही इन्हां दा पालन पोषण कर रहा जी, मैं ही इहदा माँ ते मैं ही इन्हां दा प्यो आ जी। तो मैनू इस गल दा इंसाफ मिलना चाहिए जी, मैं तुहाडे तो ये इंसाफ मंगदा जी कि मैनू इसका इंसाफ मिलना चाहिए, उस बंदे नू सज़ा होनी चाहिए जी। गुड़ी की उम्र सी 17.5 साल जी। सानू की पता लगना ही गई ना गुड़िया इतों आ रहे थे शहर, सानू पता नहीं लगेगा भी घरों जो चली है ना उतों घरों आ गई उतों, तो इतने पुलिस वाले ने नहरां दे उत्ते रोक लिया जी उसनू, उहनू पुछण लगे भी गुड़िया तू कित्थों आई आ। वो कहिंदी भी मेरा डैडी ना बाबे दे गया ही, इस तरह करके वह आऊगा, वह मैनू लैके जाऊगा इतों। उन्हें ये गल की ते उस तो बाद उत्थे मुलाजम सीगे, उस तो बाद उन्हें उत्थों छाल मारती जी। किन्ने बच्चे थोड़े? मेरे बच्चे 3 आ जी, हुण 2 बच्चे एक गुड़िया एक मुंडा जी। ਕਿਹੜਾ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਛੀ ਚੌਂਕ ਕੋਲੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ, ਜੋਤਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ। ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਬਾਬਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਰੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਨ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਚਾਹਿਆ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਨੰਬਰ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਫੀਸ ਕਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਬਾਬਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਮੁਫਤ ਸਮਾਧਾਨ।